आज हम बना रहे हैं रशियन कटलेट। देखिए हमें क्या क्या लगेगा। 3 बॉइल्ड पोटैटो स्मैश किया हुआ, 3 कैरेट चॉप्ड फाइन, 3 शिमला मिर्च ऐसी बारीक कटी हुई, 2 टेबलस्पून जिंजर अदरक बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई, नमक, कोथमीर 1 कप, 1 किलो चिकन जिसको मैंने बॉईल किया और श्रेड कर लिया इस तरीके से, श्रेडेड चिकन, ऑयल फॉर फ्राइंग, और ये घी लगेगा हमें 3 टेबलस्पून, और ये चिकन को जिसमें मैंने बॉईल किया था उसका पानी 1 कप, 1 कप दूध, 6 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हम बनाते कैसे हैं। हम एक बर्तन लेंगे, इसके बाद चॉप किया हुआ अदरक, हम इसमें कैरेट डालेंगे और कैप्सिकम, इसे भी थोड़ी सी देर फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। दो मिनट के लिए हम भून देंगे इसे। हमने भून लिया मैदे को, अब इसमें मैं चिकन का स्टॉक डालूंगी 1 कप, और इसे भी अच्छे से मिक्स करूंगी। अब इसमें जाएगा 1 कप दूध, गैस की फ्लेम मीडियम है, देखिए ये ऐसे दिख रहा है, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, ये इतना गाढ़ा होना चाहिए। अब इसमें मैं डालूंगी पोटैटोस, आलू मैश किए हुए, गैस की फ्लेम स्लो रखना है नहीं तो वो नीचे जल जाएगा, और 1 किलो चिकन, 1 कोथमीर, 1 गरम मसाला, 1 नमक। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमने इतना मिक्स कर दिया, एकदम गाढ़ा हो गया है। अब ये रेडी हो चुका है, अब मैं इसे प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी, फिर हम कबाब बनाएंगे इसके। ये देखिए ये ठंडा हो चुका है और ये ऐसे लग रहा है, और ये ब्रेड क्रम्स है, मैंने ब्रेड को मिक्सी में पीस लिया है। इसकी भी मैं रेसिपी जल्दी बताऊंगी कैसे बनाते, बट ये बहुत इजी है बनाना। ये देखिए इतना इतना लेना है हमें,
इसको हाथ में रखना है और इसको कबाब की शेप देके, ये साइज में थोड़े बड़े बनते हैं, इस तरीके से हम बनाएंगे। एक और बना के बताती हूँ, फिर मैं बाकी के बनाऊँ। ये बड़े साइज में बनते हैं रशियन कटलेट। पांच अंडे ली हूँ, उसमें मैं नमक, थोड़ा सा नमक डालूंगी। और थोड़ी लाल मिर्च। और इसे अच्छे से फेंट लेंगे। ये देखिए, हमने ऐसे बना दिया है कटलेट की शेप में। इसको आप कोई भी शेप में बना सकते हैं। अब हम इसे अंडे में डिप करेंगे और डीप फ्राई करेंगे। ये देखो, इसको अंडे में डिप करना है और इसे बड़े संभाल के उठाना है और इसे तेल में छोड़ देना है। एक टाइम से हम दो दो फ्राई करेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़े होते हैं। आप चाहे तो छोटे भी बना सकते हैं, बट मैं बड़े बनाती हूँ। ये देखिए, ये फ्राई हो रहे हैं। हमें इसे गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। मैं इसे पलट लूँगी। इसे भी इसे गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। अब मैं इसे निकाल लूँगी। बस यही कलर देना है, ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है। और इसे टिश्यू पे मत निकालिए, इसी जाली पे निकालिए। अब हम मैं बाकी ये सारे जो है वो फ्राई करके आपको बताती हूँ। ये देखिए, हमारे रशियन कटलेट एकदम तैयार हो गए हैं। इसे चटनी के साथ सर्व कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।